कश्मीर में मानवाधिकारों पर लंबी लंबी बातें करने वाले पाकिस्तान में खुद मानवाधिकारों का कितना उल्लंघन किया जाता है, इसको हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर एक ऐसा ही आंकड़ा सामने आया है। पाकिस्तान में लोगों के साथ बच्चे भी अब खतरे में आ गए हैं। पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों में बच्चों के खिलाफ अपराध बेतहाशा बढ़े हैं। पाकिस्तान में इस साल जनवरी से जून के बीच 1300 से अधिक बाल यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में 729 लड़कियों और 575 लड़कों ने किसी न किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना किया है। रिपोर्ट से पता चला है कि पंजाब में 652, सिंध में 458, बलूचिस्तान में 32, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 51 मामले सामने आए हैं। इस बीच कम उम्र के बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले इस्लामाबाद में 90, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 18 और गिलगित बाल्टिस्तान में 3 है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सिर्फ लाहौर में 50 बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार बने हैं। कसूर के चुनियान क्षेत्र से लापता 4 बच्चों में से 3 के अवशेष मंगलवार को पाए जाने के बाद ये रिपोर्ट आई है। पुलिस ने कहा कि 3 पीड़ितों के साथ दफनाने से पहले दुष्कर्म किया गया था। कसूर पुलिस ने कहा था कि लापता हुए 4 बच्चों में से केवल 1 का शव बरामद हुआ, जबकि अन्य 2 के अवशेष मिले हैं, जिन्हें डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। उसी शहर में गुरुवार रात को एक और बच्चे का अपहरण कर लिया गया। ये सब सुनकर अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं है। अब पाकिस्तान बच्चों के रहने लायक देश नहीं रहा। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं इशिका जैन, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।